खबर आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज से है, जहां एक डॉक्टर की लापरवाही ने छीनी बच्चे की आंख की रोशनी। बच्चे की आंख की रोशनी चले जाने से निराश पिता ने पुलिस अधीक्षक के दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। जिले के ग्राम कोहली बुजुर्ग थाना कंदरापुर का निवासी मनोज ने बताया कि अपने बेटे सौरभ 8 वर्ष को आंख लाल होने की शिकायत पर नया चौक बिलरियागंज स्थित आई अस्पताल ले गए। बीते 22 अगस्त को अस्पताल में डॉक्टर आलम के बेटे को आंख में डालने व खाने की दवा दी। ड्राप को आंख में डालने पर सौरभ की आंख में तेज दर्द होने लगा। पिता जब बेटे सौरभ को लेकर पुनः डॉक्टर आलम के पास ले गए तो डॉक्टर आलम ने कहा, परेशान मत हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। पुनः दवा लेकर भेज दिया। उस दवा को डालने के बाद आँख में सफ़ेद पदार्थ निकलने लगा। जब वह जिला अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी आँख खराब हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, आँख निकालकर पत्थर की लगवानी पड़ेगी। पीड़ित ने बताया कि सौरभ का उस अस्पताल में डॉक्टर की घोर लापरवाही एवं अनियमितता से बच्चे का जीवन बर्बाद होने की कगार पर है। डॉक्टर के विरुद्ध घोर लापरवाही, असावधानी और उपेक्षापूर्वक इलाज कर बेटे की आंख नष्ट करने के आरोप में कार्रवाई की मांग की है। आइए देखिए बेटे के पिता ने क्या कुछ कहा। पूछिए क्या नाम है? मनोज। कहाँ क्या समस्या लेके आए हैं यहाँ पे? बच्चे का आँख लाल हो गई और डॉक्टर साहब ले गए हैं और 4 दिन का दवा दी और 4 दिन का दवा देने के बाद दर्द कम हो गई, लेकिन सफ़ेदपन आँख में पड़ गया। तो फिर ले के आए घर, फिर 4 दिन बाद ले गए तो बोले ले जाओ, आराम आराम से ठीक हो जाएगा। तो बच्चे का हालत और ख़राब हो गई, जो आँख देखने लायक नहीं। फिर दोबारा तीसरी बार हम गए तो उसका आँख जो क्रेक हो गया, बहने लगा। हम बोले डॉक्टर साहब बच्चा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बोले 700 की दवा दिए, बोले जाओ घर पे, ये ठीक हो जाएगा, अब साफ़ हो रहे। तो हमारे समझ में नहीं आया तो जो है कि हम एक लड़के को बुला के और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखवाए। डॉक्टर का क्या नाम था? बोलो तो बोलो। अच्छा नाम है, भूल गए। बताओ ना, आगे बताओ। तो जो कि मऊ में लेके गए, वहाँ पे जांच करवाए तो डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि ये दवा डालने से आँख खराब हो गया। तो हम उनको बार बार पूछे कि डॉक्टर साहब अगर नहीं समझ में आ रहा बताओ, हम कहीं दूसरी जगह ले जाएं। तो बोले कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कहीं भी लेके जाओ, एक बैग नहीं ठीक हो। इस वजह से हम उनके पास इलाज कर रहे हैं। तो तीसरी बार जब ले गए जहाँ पर जब बहने लगा तो हम बोले साहब ये क्या हुआ? तो बोल रहे हैं कि जो कि धीरे धीरे सही होगा, सही हो रहा है। तो तत्काल में हम ले के गए आजमगढ़ ले के आए, दो एक डॉक्टर थे, वो लोग बोले इसका आँख जो है बह गई खराब, ये दवा डालने की वजह से आँख खराब हुई। प्राइवेट में डॉक्टर बैठते थे, क्या नाम है? प्राइवेट में बैठते प्राइवेट। क्या नाम है? झूला तेरे पास है? बता झूला अपना नाम दिखा। आई हॉस्पिटल बिलरियागंज, वहीं दिखा रहे थे आप? हाँ, वहीं दिखा रहे थे। अभी कप्तान साहब के यहाँ पर हैं तो क्या उन्होंने क्या कहा? बोले हैं कि बस ये डॉक्टर बुला रहे हैं और जो है कि इसको चेक करवाएंगे, अगर दवा की वजह से खराब हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके साथ कहा ज्ञापन आया जिसमें एक बच्चे की आंख की रोशनी चली गई है एक गलत इलाज के कारण। क्या मामला आपके संज्ञान में है? क्या मुझे भी इस प्रकरण का संज्ञान किसी व्यक्ति द्वारा फोन किया गया उससे मिला है, तो इसमें जो भी प्रकरण सामने आएगा तो उसको हम जाँच कराकर स्वच्छता से करवाएंगे।